पीलीभीत में प्रधान प्रत्याशी के घर में सोने के आभूषण सहित लाखों रुपए की नकदी की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बताते चले, मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गणेशगंज का है। विनोद कुमार निवासी गजरौला खास के हैं और वह इस बार वहीं से प्रधान प्रत्याशी हैं। चुनाव को लेकर वह अपने गांव में गए हुए थे। बुधवार रात्रि लगभग 12 बजे घर के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह में पड़ोसियों ने इसकी जानकारी विनोद को फोन पर दी, तब परिवार के लोग घर पहुंचे और घर के ताले टूटे देख उनके होश उड़ गए। परिजनों ने बताया कि उनके घर में 15 लाख के सोने के आभूषण सहित 30 लाख नकदी चोरी हुई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली में की है। घटना की जानकारी लगने पर भाजपा विधायक बाबूराम पासवान तथा सीओ और कोतवाली पूरनपुर ने मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना का निरीक्षण किया है। आपका विनोद कुमार राठौर। विनोद कुमार जी, आज क्या घटना हुई आपके यहाँ? आज नहीं हुई थी, ये परसों की घटना है। परसों हमारे घर पर लगभग 12 बजे के टाइम, हम लोग यहाँ रह नहीं रहे थे, पंचायत चुनाव की तैयारी में गाँव में रह रहे थे, तो जिस वजह से सभी लोग वहीं थे। यहाँ ताला पड़ा हुआ था, परसों चोरी हो गई, हमारे यहाँ डकैती पड़ गई, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसमें ज्वेलरी रुपए सब चला गया, हम बर्बाद हो गए बिल्कुल। लगभग कितने की ज्वेलरी होगी, कितनी नगदाई से? 30 लाख रुपए नगद, 15 लाख रुपए करीब ज्वेलरी भी थी। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? हाँ जी। कौन सा क्षेत्र लगता है ये? अशोक कॉलोनी पूरनपुर।